डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम समस्त लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करने के विषय में डिस्कशन करेंगे। इसका अनुवाद बनाने से पहले आइए सबसे पहले हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान लिखी है और पहचान बहुत ही सामान्य है। इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, और जो दो कार्य जो वर्णन होता है वो भी भूतकाल के होते हैं, और जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। दूसरी जो मुख्य पहचान इसकी है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, किया था आदि आते हैं। अब इस बात को हमें समझना है कि हमने इसमें पहले बताया कि इस टेंस में दो कार्य एक साथ में चलते, कभी कभी ऐसा सिंगल भी होता है। जैसे हमने कह दिया मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था, एक ही वाक्य है। लेकिन सामान्यतया जो ये टेंस की पूर्णता तभी होती है जब इसमें दो कार्यों का भूतकाल में दोनों कार्यों का वर्णन होता है, बस एक कार्य पहले हो जाता है और दूसरा कार्य उसके बाद में पूर्ण होता है। अथवा अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, अथवा लिया था, दिया था, किया था आदि आ जाते हैं। अब इतना होने के बाद में फिर हम अनुवाद बनाने का नियम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है। अनुवाद का नियम अनुवाद में जिस प्रकार से मैंने बताया कि जब कोई कार्य सिंगल केवल एक वर्क होता है तो ऐसी कंडीशन में हम सीधे सीधे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। एंड ऑब्जेक्ट देखिए, जो ये मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा, इस फार्मूले में केवल तभी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जब केवल एक सिंगल सेंटेंस ही दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर, या आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था, या ये भी हम कह सकते हैं मैंने यह कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया था। अब जब इस सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कहेंगे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क। अब
यहाँ पर तो केवल एक सिंगल वर्ब की बात कही गई है, तो इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन इसी प्रकार करेंगे। और यदि कहीं हम इसका निगेटिव बनाना चाहें तो इसका निगेटिव बनाते समय हम सीधे हेड के बाद में वर्ब नॉट लगाएंगे और तत्पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट सब्जेक्ट देन हैड प्लस नॉट प्लस पार्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे इफ आवर सेंटेंस इज गिवेन इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड इफ क्वेश्चन वर्ड इज गिवेन देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द इंग्लिश ऑफ दिस क्वेश्चन वर्ड। एंड इन द सेम वे इफ वी हैव टू ट्रांसलेट एन इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद में जब हम कहते हैं कि हमारे सेंटेंस में कोई दो कार्य एक साथ हो, यानी सेंटेंस दो होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अनुवाद बनाने के लिए भी हमारा एक नियम आता है। जो कार्य ऐसे पहले लिखेंगे, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो जो कार्य पहले पूर्ण हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम एक फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो जो कार्य के पहले की पूर्णता आने पर, कार्य जब पहले होता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमको यहां पर यह ध्यान रहना है कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में, जैसा कि हमने आपको जो पहले इसके पढ़ाया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अनुवाद किस प्रकार से बनाते हैं, उस अनुवाद का हमें भी विचार करना रहेगा। क्योंकि जब इस सेंटेंस को बनाएंगे जब पास्ट इंडिफिनिट में, तो वहां पर यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इसका हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के आधार पर इस फार्मूले को बिल्कुल आप निश्चित रूप से क्लियर कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के आधार पर एग्जाम्पल
सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले, मरीज मर गया था। अब इसका जब बात करेंगे तो देखिए इसमें कौन सा कार्य पहले हो गया, तो इसमें यह कार्य पहले हुआ है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। अब यहां कहेंगे मरीज पहले मर गया था, यह कार्य पहले तो लिखेंगे द पेशेंट, पेशेंट हैड डाइड। अब आपको मैंने पहले बताया था सबसे पहले जो कार्य हो गया उसको उसमें हैड लगाकर लिखते हैं, तो ये लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, फिर आगे लिखा है सेकेंड सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस सोने से पहले गीता ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया था। अब यहां पर सबसे जो पहला कार्य हुआ वो है ग्रह कार्य का पूर्ण होना, तो यहां लिखेंगे गीता ने अपना ग्रह कार्य पूर्ण कर लिया था। इंग्लिश इसकी बनेगी गीता हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी स्लेप्ट। इस प्रकार से ये हमारा जो असर्टिव सेंटेंस हुआ, और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस इस आधार पर बनते हैं। एक सेंटेंस हम इसमें आपको और बताएंगे जिसमें पहले बीच में नहीं बाद में आता है वाक्य, वाक्य सेंटेंस तुम्हारे कक्षा में पहुंचने के बाद अध्यापक अध्यापक कक्षा में आए थे। अब जब इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें जो कार्य बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, यानी अध्यापक कक्षा में आए, अध्यापक बाद में आए तो लिखेंगे द टीचर केम इंटू द रूम इंटू द क्लास आफ्टर यू हैड रीच्ड इन द क्लास। इस प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस जिसमें बाद में बीच में आता है तो उसमें जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और दूसरे वाले को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये हमारा एक नियम है। इसके बाद में इस असर्टिव सेंटेंस के बाद में हम आपको निगेटिव सेंटेंस भी बताते हैं।
निगेटिव सेंटेंस में जो कार्य पहले हो जाता है उस सेंटेंस में हैड के बाद में नॉट लगाया जाता है, और जो कार्य बाद में होता है यदि वो पहले हमको लिखने की कंडीशन हमारे सामने आ जाए तो ऐसी स्थिति में हमको डिड नॉट से सेंटेंस को यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद में डिड नॉट से प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस को ध्यान दीजिए, कार्य पहले कार्य के पूर्ण होने पर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले को ध्यान देंगे। सबसे पहले जब हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, हमने खाना नहीं खाया था तो इसकी इंग्लिश बनेगी We had not taken the food before you reached home। अब ये हमारा पहले आया है, इसी प्रकार से यदि कहीं बीच में आता तो हम भी इस प्रकार से सेंटेंस बनाते, लेकिन वहां बनाने से पहले हम यहां पर हैड नॉट के बजाय हम डिड नॉट का प्रयोग करते। एक एग्जांपल और है, घंटी बजने के बाद सभी विद्यार्थी कक्षा से बाहर नहीं गए थे। अब जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे सभी विद्यार्थी कक्षा से बाहर नहीं गए थे, तो यहां लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो आउट ऑफ द क्लास After the bell had rung।
अब इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। इसके अतिरिक्त एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर थ्री, वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व वह घर नहीं लौटा था। इसका अनुवाद देखते हैं। अब यहां पर लिखा है वह घर नहीं लौटा था। इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, लिखेंगे वह घर नहीं लौटा था। ही हैड नॉट रिटर्न्ड रिटर्न्ड होम बिफोर द रेन बिगेन। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी वही कंडीशन होती है जिसमें क्या पहले आ जाता है। तो यहां पर भी लिख लीजिए क्या पूर्व में होने पर, सबसे पहले हम हैड लिखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर सब्जेक्ट, अदर सेंटेंस लिख देते हैं। और जो अदर सेंटेंस की मैंने बात की, वो अदर सेंटेंस हमारा और दूसरा कोई नहीं, अदर सेंटेंस ही हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा। और उसका भी अनुवाद जैसे हम सभी सेंटेंस में बनाते रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हम बनाएंगे। अब इस सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कह दिया क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, एग्जाम्पल्स, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज गया था। अब देखिए हमने बताया कि जनरली ये सेंटेंस दो रूपों में भी हो सकता है, दो सेंटेंस एक साथ में चलते हैं और कभी कभी ये सिंगल सेंटेंस में भी आ जाता है। तो इसमें रियल में सेंटेंस तो दो हैं, लेकिन हम एक भी मान सकते हैं, एक भी समझ सकते हैं। तो यहां पर है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज गया था। अब इसमें कार्य पहले क्या हुआ, घंटा पहले बजा, तो लिखेंगे हैड द बेल रिंग रैंग रंग रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब यहां पर थोड़ा एक इससे हट करके है, यहां पर एक है बजने की इंग्लिश, बजना, एक शब्द आता है वर्ब आता है रिंग, आर रिंग, रिंग मीन्स बजना या बजाना, बजना भी कहते हैं या बजाना भी कह सकते हैं। तो जब इसकी जब फॉर्म चलती है तो हम यहां पर लिखते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है रिंग, सेकेंड फॉर्म हमारी आती है रैंग, और थर्ड फॉर्म जो हमारी होती है वो होती है रंग, रिंग रैंग रंग, ये इसकी फॉर्म चलती है। तो वही यहां पर मैंने लिखा है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज गया था। तो क्या घंटा बज गया था, हैड द बेल रैंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब एक एग्जाम्पल और लिखा है, सेंटेंस नंबर टू,
क्या देखिए, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद में एग्जांपल नंबर टू पुनः आपके सामने है। एग्जांपल नंबर टू, क्या सूर्य के निकलने के पूर्व वे चाय पी चुके थे? अब जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या वे चाय पी चुके थे। अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे, कहेंगे हैड दे, यहां पर चाय पीना। अब ध्यान रहे, पीने के लिए यहां पर हम ड्रिंक का प्रयोग कतई नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रिंक का प्रयोग हम जनरली पानी पीने के लिए या वाइन को लेने के लिए यूज करते हैं। यहां पर चाय पीने के लिए टेक टी का यूज करते हैं, यानी हैड दे टेकन द टी, टेकन द टी बिफोर द सन रोज। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और जो अगला सेंटेंस आपका आएगा वो आपका आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें भी दो प्रकार की बातें आती हैं। एक तो वे होते हैं जिसमें क्या पहले और नहीं बीच में हो। तो यहां पर भी ये बात ध्यान दीजिए, क्या पहले तथा नहीं बीच में होने पर, बीच में आने पर। अब जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो, तथा कार्य जो पहले कार्य पूरा हो गया है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कार्य पहले पूरा होता है उसके लिए फार्मूला लागू होगा। यदि बाद की बात आ गई तो फार्मूला हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो सेंटेंस हम पहले डिड से लिखेंगे। तो यहां पर पहले वाली बात आ गई है तो हम लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सेंटेंस। अब सेकेंड सेंटेंस का मतलब है जो सेंटेंस हमारे सामने है, यानी उस सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन कब, जब कार्य पहले बजाय जब पहले पूरा हो गया होगा। लेकिन यदि कार्य बाद में पूरा हुआ होगा तो ये कार्य पहले लिखा जाएगा और यहां पर आफ्टर यूज करके फिर हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो पहले हम इसके हिसाब से, इस फार्मूले के तहत हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल, क्या मेरे सोने से पूर्व तुमने पाठ याद नहीं किया था? अब जब इस सेंटेंस का हम अनुवाद बनाएंगे तो देखिए, यहां पर भी पूर्व या पहले आया है, तो तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था। अब इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में बनेगा, अर्थात पहले हाइड होगा। हाइड ही, हाइड यू, हाइड यू नॉट याद करना, हाइड यू नॉट लर्न्ड, लर्न्ड योर लेसन बिफोर आई स्लेप्ट। तो इसी के बाद में एक सेंटेंस हम ऐसा आपको बताएंगे जिसमें क्या क्यों कैसे बीच में होता है, तो वहां पर आपका सेंटेंस
आपका आएगा, इसमें लिख दिया अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पूर्व तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था। अब यहां पर इस सेंटेंस में क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, तो इसकी इंग्लिश के लिए लिखेंगे व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। अब इतने का मतलब हो गया तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था, व्हाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। अब फिर है अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पूर्व, तो पहले पूर्व की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड इन द क्लास एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इस सेंटेंस के बाद में ही हम समझते हैं कि अब आपका जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके ट्रांसलेशन बनाने की विधा या फार्मूला पूर्ण हुआ। अब जरूर हम वही बात पुनः आपसे दोहराएंगे कि यदि आपने इसको प्रारंभ से लेकर के अंत तक वीडियो को देखा तो निश्चित रूप से आप इस पास्ट परफेक्ट टेंस को अनुवाद बनाने के लिए आप ही अच्छे हो जाएंगे और कैसी भी परिस्थिति हो आप अनुवाद बना लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।